तो खाना खाया तुमने क्या? कितना? दो रोटी आलू टमाटर की सब्जी। अच्छा, दो रोटी भी खाई है तुमने, और ये भी खा रहे हो मैगी भी। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जय श्री श्याम। सो फाइनली आज मैं आया हूँ दीपूदा। एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ, इसलिए मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा मैगी, तो मैगी मंगाई है हमने, और ये लेमन टी। तो पहले हम मैगी टेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैगियाँ बहुत अच्छी होती हैं यहाँ की, तो पहले मैगी से एक्चुअली ब्रेकफास्ट हम यहीं से कर रहे हैं, फिर मुझे जाना घर। मेरे लेमन टी आप भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है यहाँ की लेमन टी। तो जल्दी से इसे फिनिश कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी हमने ये मंगाया था बन मसाला, इसलिए ये बोल रहे थे यहाँ का सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी का होता है, तो हमने मंगाया। चलिए भाई, ये भी लेमन टी भी है, बट ये सच में अच्छा हो रहा है, मज़ा आ गया खाने में। तो खाना खाया तुमने क्या? कितना? दो रोटी आलू टमाटर की सब्जी। अच्छा, दो रोटी भी खाई है तुमने, और ये भी खा रहे हो मैगी भी। मैं तो सोचा था मैंने ही खाया है। चलो खाते हैं। ये देखो रिया बिल्कुल खाने में परफेक्ट है। तो फाइनली निकल गया हूँ मैं यहाँ से, अब रुद्रपुर को दीपूदा मैगी पॉइंट में गए थे हम लोग, यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया। इसलिए यहाँ का मौसम समझ नहीं आ रहा, कभी धूप हो रही, सुबह इतनी बारिश हो रही थी, आ नहीं पाया। अभी धूप हो रही थी, एकदम धूप गायब हो गई, अब ठंडा मौसम हो गया। तो चलते हैं सीधे रुद्रपुर को। फाइनली आ चुका हूँ मैं रूम पे। एक्चुअली अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने, नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज करे। सो अब मैं बनाता हूँ, दिन का लंच बनाता हूँ। एक्चुअली भूख तो बहुत लग रही है मुझे, एक्चुअली सुबह खाया था मैंने मैगी खाई थी, आपको कुछ दिखाया था मैगी से मैंने ब्रेकफास्ट किया था। सो अभी मैं लेके आया हूँ, मैं जाता हूँ चिकन लेने जाता हूँ, चिकन विकन लेके आता हूँ, आज मैं चिकन राइस बनाऊंगा। सो फाइनली मेरे खाटू बाबा की पूजा हो चुकी है। जय श्री श्याम। तो आज एक्चुअली बहुत दिनों बाद दिया जलाया मैंने खाटू बाबा के मंदिर में। तो चिकन विकन ले आया मैं और चिकन चढ़ा दिया मैंने। सो अब जल्दी से बना देते हैं। एक्चुअली मैं कुकर में बना रहा था, कुकर में जल्दी बनता है, कढ़ाई में एक्चुअली टाइम लग जाता है। सो जल्दी से बना लेते हैं चिकन। तो अब मैंने धनिया भी चॉप कर लिया, एक्चुअली बिना धनिया के टेस्ट नहीं आता है, तो धनिया डाल के टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है चिकन का। सो अब जल्दी से चिकन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। ये देखो चिकन चढ़ा, ये मैंने अभी चिकन चढ़ा दिया है। अब फटाक से इसमें सीटी आती है, 3-4 सीटी आएंगी, फिर इसे बंद कर दूंगा, फिर इसके बाद चढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद चढ़ाऊंगा मैं राइस। यहाँ पे मैंने चावल भी भिगा दिए हैं। एक्चुअली ये चावल भिगाने के बाद बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो जल्दी से मैंने चावल वाल भिगा लिया है। सो अब जल्दी से बन चिकन बनने का वेट करते हैं, फिर चढ़ाते हैं चावल। तो फाइनली मेरा चिकन रेडी हो चुका है। देखिए आज बिल्कुल अलग बना हुआ है, पहली बार मैंने कुकर में बनाया, लग रही है मटन जैसी ग्रेवी लग रही है। चावल चढ़ा देता हूँ। फाइनली हो चुका है मेरा लंच रेडी। देखिए ये लेग पीस और एक चिकन और राइस, एक्चुअली आज बहुत अलग तरीके से बनाया मैंने। सो अब टेस्ट करते हैं, मुझे लग रही है भूख अभी बहुत तेज। सो जल्दी से करते हैं। तो फाइनली उठ गया हूँ मैं, बनाते हैं चाय, फिर दूध लेके आया था दिन में मैं, तो मैंने चाय बना लेता हूँ। फिर एक्चुअली खाने का शाम का तो मेरा है ही, फिर चिकन बना हुआ है, तो शाम का मेरा डिनर रेडी है, बट तो अभी पहले चाय बना लेते हैं। चाय रेडी। सो अब चाय पी लेते हैं फटाक जल्दी से, फिर करते हैं अब शाम का अपना डिनर गर्म करते हैं। तो फाइनली हम कर लेते हैं अब अपना डिनर रेडी। एक्चुअली गर्म कर लेता हूँ मैं, एक्चुअली दिन में बनाया था मैंने। एक्चुअली आज मैं आया था हल्द्वानी से परसों, तो गाइस मैं हल्द्वानी से आया था, तो फिर उसके बाद मैंने दिन में लंच बनाया अपना। तो अब ये जल्दी से इसे मैं गर्म कर लेता हूँ, फिर खाऊंगा। सो फाइनली आ गया मेरा डिनर। सो जल्दी से डिनर कर लेते हैं, फिर एक्चुअली मुझे एडिटिंग भी करनी है। एक्चुअली ज़्यादा ब्लॉगिंग तो करी नहीं मैंने, तो बट जल्दी से पहले डिनर कर लेते हैं। एक्चुअली चिकन बनाया है और ये है राइस, तो चिकन राइस है, जल्दी से कर लेता हूँ अपना डिनर। सो गाइस फाइनली हो चुका है मेरा डिनर, और गाइस आज एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर से आया था मैं, देखा होगा आपने 3-4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। सो आज आया हूँ, थोड़ा अब रेस्ट करता हूँ, एक्चुअली एडिटिंग भी करनी है, सो ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाया। एक्चुअली सीधा आया फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया अपना शाम को, और फिर अभी मैंने वही एक्चुअली रात में डिनर बनाया भी नहीं, डिनर वही मैंने गर्म करके खा लिया है। सो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।